ये राधेश्याम जी, मिश्रा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। हेलो, आइए। ये हम ये बोधि वृक्ष है हमारे आश्रम का। जी सर, इसके नीचे बैठ कर ध्यान लगाया जाता है। बहुत सुंदर बनाया। आइए फिर आनंद लेते हैं। सपना था राधेश्याम सर जी का, योग गुरु हमारे। हाँ, आश्रम शुरू होता है हाईवे पर और समाप्त होता है इस नदी किनारे। हमने सोचा कि आश्रम के शुरुआत में भी एक हमारा साइनेज होना चाहिए और जहाँ हम होता है वहाँ पर भी कभी किसी को फोटो खिंचवाना हो तो इसलिए लगाया। सेल्फी पॉइंट, सेल्फी पॉइंट।
गांव है, उसका नाम है उतेड़िया, 4 एकड़ जमीन। वहाँ ऐसा कोई मतलब गूगल से लिस्ट निकाल ली, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया, सब ढूंढान के सब लगा दिया। तो मेडिसिनल प्लांट भी लगा रखा है, सब वो यहाँ है, मेडिसिनल प्लांट सब यहाँ है, वहाँ सिर्फ फ्रूट्स ही। क्योंकि यहाँ हम चाहते थे कि लोग यहाँ की जलवायु और से ही ठीक हो जाए, बहुत एनवायरमेंट, यहाँ जितने भी मेडिसिनल प्लांट सब मिल जाएंगे। असल जी पंचाल हैं, ये हमारे नई दुनिया में हैं, ये हमारे बरसों पुराने मिलते हैं। तो ऐसे रेफरेंस तो उनको हम अंदर आएंगे। अदरवाइज
बैठे हैं। ये हमने पूरे जो ऑनर थे उनसे हमने पूरा ले लिया था, खरीद लिया तो ये सब क्रिएट किया। यहाँ ये जमीन किसी और की, ये हमने बाद में खरीदा, नदी से करने का एक्सेस नहीं था, ये ब्रिज नहीं था, ये सब क्रिएट हमने बनाया था। जो पहले ऑनर थे उनके लिए रूम ही महत्व था, हमारे लिए रूम का कोई महत्व नहीं है, ये सब होना चाहिए। हाँ, नेचर की तो बात अलग है। हमारा उद्देश्य था यहाँ पर आए हैं तो लोग सिर्फ ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं देना पड़े, आदमी आए और अपने आप उसका योग घट जाए। जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे, करीब रहेंगे, जितना हम दूर जाएंगे उतना डॉक्टर हमारा ख्याल रखेंगे। नहीं, सद्गुरु बोलते हैं ना, मॉल मत ले जाओ, पहाड़ी किले पे ले जाओ, मिट्टी पे ले जाओ, उसके वाटर पार्क जाने के लिए जग्गी जग्गी साहब को सुनती रोज। ये बहुत अच्छा बोलते हैं वो, क्या योग बोलता है वो नहीं बोलते, उनके अंदर से व्यास बोलते हैं, पतंजलि बोलते हैं। होता है वो होता है, और जो दूध को भी पोर करते हैं तो करके कई मसाज होता है, जो केरला का जो ट्रेडिशनल मसाज होता है वहीं के लोग वो भी। मेरे पास चार और दो डॉक्टर आते हैं शनिवार को अपन यही रहेंगे। जरूर जरूर है ना, पूरी फैमिली। फोटोग्राफ ले सकते हैं।